नमस्कार, मैं कुमार कामेश और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। स्वदेश वाणी के खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की सियासी हलचल पर। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातें हुई, सरकार ने विश्वास मत हासिल किया या नहीं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आज के विधानसभा सत्र पर। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। इस दौरान भाजपा ने वॉकआउट भी किया। विश्वास मत पर वोटिंग के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। यहां आपको बता दें कि विश्वास मत सबसे बड़ी चुनौती थी हेमंत सोरेन सरकार के लिए। सोरेन आज सुबह छत्तीसगढ़ से लौटे, अपने सभी विधायकों को खुद बस से लेकर विधानसभा आए थे। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वे सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से सभी विधायकों के साथ बस में सवार होकर सर्किट हाउस के लिए निकल गए हैं। जिस तरह से दो बस में सरकार के मंत्री विधानसभा आए थे, उसी तरह बस में सवार होकर वापस चले गए। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने सब्जी, राशन और कपड़ा खरीदने की बात सुनी थी, भाजपा तो विधायक खरीद रही है। भाजपा के वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष इस प्रस्ताव को पूरा सुने, मैदान छोड़कर बाहर ना जाए। मैं आंदोलनकारी का बेटा हूं, इनसे डरने वाला नहीं हूं, ना डरा हूं और ना ही किसी को डराऊंगा। सोरेन ने कहा कि भाजपा राज्यों में गृह युद्ध के हालात बना रही है। झारखंड सरकार राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की तैयारी में है। सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान और ओबीसी के मामले में जल्द सरकार एक बड़ी फैसला लेने जा रही है। 1985 की स्थानीयता इन्होंने परिभाषित की। जब 85 की स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजाकर कह रहे थे कि 85 का ही खतियान बेस्ट है। वहीं सदन में हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने तंत्र को खत्म कर दिया है, सिर्फ लोक बचा है। लोकतंत्र को बचाना हमारी प्राथमिकता है और सरकार भी इसी प्राथमिकता पे काम कर रही है। बीजेपी देश के आधे राज्यों में गृह युद्ध की स्थिति बना रही है। कपड़ा, सब्जी और राशन को खरीदना सुना था, बीजेपी विधायक खरीद रही है। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरह हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में अपनी बहुमत हासिल कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि झारखंड की विधानसभा में या झारखंड सरकार को लेकर जो अनिश्चितताओं का दौर चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं फिलहाल विराम चिन्ह लग गया है। अब इस विराम चिन्ह को लगने के बाद हेमंत सोरेन किस नीति को अपनाती है, क्या आने वाले दिनों में कौन सा कदम उठाती है, राजहित में कौन सा काम करेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अभी दो बहुत बड़े फैसले लिए हैं, पहला पुरानी पेंशन नीति को जो लागू कर दिया है, इससे लेकर जो कर्मचारियों में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 खतियान लागू करने की बात जो उन्होंने कही है, यह बहुत बड़ा फैसला होगा हेमंत सोरेन के लिए और झारखंड के राज्य के वैसे निवासियों के लिए जो लंबे समय से स्थानीय नीति की मांग करते रहे हैं। स्थानीय नीति अगर पूरी तरह से लागू हो जाती है तो ना सिर्फ यहाँ के बेरोजगार युवकों को, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्वदेश वाणी। जिस तरह से झारखंड के सियासी गलियारों में झारखंड सरकार को लेकर जो अस्थिरता बताई जा रही थी, झारखंड सरकार की को लेकर जो गहमा गहनी थी कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें आज पूर्ण रूप से विराम लग गया है और आने वाले दिनों में यह बहुत अहम होगा कि झारखंड की सियासत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है अब क्या होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, मैं तो कहा कि ये चाला चाली के बेला में मुख्यमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। भाई विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे या कोर्ट की ओर से उनको निर्देशित करे। किसी ने उनको कोई निर्देशित नहीं किया है। तो आज उनके पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लीडर को बस में किस प्रकार से बोझ करके रांची से रायपुर तक ले गए, रायपुर से रांची लाए हुए हैं, यहाँ भी अपने घर में लोगों को रहने नहीं दिए और उसको बंधक बना करके कह सकते हैं कि एक होटल, क्या कहते हैं, सर्किट हाउस में रखे हुए हैं। तो बिल्कुल ये अस्पष्ट है कि भैया अपने लोगों की उनकी संकट है और इसलिए उन्होंने गैर संवैधानिक इस प्रकार के काम कर रहे हैं जो अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। गवर्नर चाला चाली में क्या कहेंगे सर? गवर्नर के चाला चाली का वक्त बोल रहे हैं सर, गवर्नर के 25 साल है हम गवर्नर के। अरे मुख्यमंत्री जिस पद पर आज बैठे हैं उसमें चाला चाली का उनका बेला है। वो नेता पद पर बहुत दिनों तक अब नहीं रह सकते हैं, उन्होंने गलत किया है। सर गवर्नर के रोल के बारे में क्या कहें? अरे गवर्नर का क्या, गवर्नर है, महामहिम है,
उनके पास तो हम लोगों ने दरखास्त दिया है, हम लोग कहते हैं कि वो जल्दी निर्णय करें, इसको बर्खास्त करें, तो इनको क्या परेशानी है? हमको समझ में नहीं आया। उनको तो मोहलत दिया है गवर्नर को, इनको तो बधाई देना चाहिए। अरे हमारा फैसला तो मैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।